नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं घूमो दुनिया ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जो प्रधानमंत्री तरफ से निकाली गई है। और यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी दवाइयों की सरकारी दुकान। वैसे तो आप समझ गए होंगे थंबनेल देखकर और कैप्शन समझ पढ़कर कि ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए होने वाली है जो महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। आजकल आपको पता है कि दवाइयों की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है। इलाज कराना तो ऐसा समझ लो कि भैया सब कुछ बिक जाएगा तब जाके इलाज हो पाएगा, तो बहुत ही महंगा हो चुका है। आधा तो डॉक्टर की फ़ीस खा जाती है हमें और आधा उनकी दवाइयाँ जो महंगी महंगी होती हैं। लेकिन इसी से बचने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जगह जगह हर सरकारी अस्पताल में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जन औषधि केंद्र की जन औषधि दवाइयाँ आप ले सकते हैं, प्लस सरकारी अंग्रेजी दवाइयाँ जो हैं वो भी मिल सकती हैं आपको, लेकिन बहुत ही सस्ते दामों में। उन्हीं में से कुछ नाम मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ कुछ लिखे हुए हैं। दवाइयों के नाम बहुत भयंकर भयंकर लिखे हुए हैं, ये मुझे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये पता है कि ये किस काम में आने वाली है। इसमें लिखा यूसेज देखिए, पहली दवाई आपकी पेन के लिए है जो कि मार्केट प्राइस दे रखा है 184, और वो आपको जन औषधि केंद्र पर मिल जाएगी 9 रुपये की। आप सोचिए कितना अंतर है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप कभी भी आप कहीं भी क्लिनिक पर जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक पर जाएंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो आपको जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो मोस्टली कॉस्टली बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। और वो कहते भी हैं कि आप ये दवाइयाँ ही लीजिए जो हमने लिखी हैं। अगर आप कहीं बाहर से लेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन उनके पास से लेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलता है। और अगर उनसे आप पूछेंगे जेनरिक दवाइयाँ लिख दीजिए, तो वो क्या बहाना बनाते हैं, वो बहाना बनाते हैं कि वो दवाइयाँ असर बहुत धीरे धीरे करती हैं, असर करती ही नहीं है, ये है। जब असर नहीं करती तो दुकानें खुली क्यों हैं, इस बात को आप क्यों नहीं कहते। तो जब भी आप जाएं डॉक्टर से कहें जेनरिक दवाइयाँ ही लिखें, और जेनरिक दवाइयाँ आपको नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती हैं। और ये अगर सरकारी हॉस्पिटल जितने भी खुले हुए हैं, सभी सरकारी हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, और ये खुलवाए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा कि ये सभी को जन जन आदमी सभी जनों को ये सुविधा मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पेन के लिए दवाई जो दे रखी है 184 का जो मार्केट प्राइस दे रखा है, और वही कितने मिल जाएगी 9 रुपये का। और ये कम से कम 10 पीस का पत्ता होगा, एक पीस का नहीं दे रखा है ये, कम से कम 10 पीस के पत्तों के लिए लिखा हुआ टैबलेट के लिए। ऐसे ही यहाँ पर लिखा 196 और ये 49, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है, फंगल इन्फेक्शन के लिए। देखो दवाइयों को अंतर देखिए आप, प्राइस का अंतर, 180 की दवाई 50 रुपये मिल रही है। हाई ब्लड प्रेशर, आपको पता है कि आजकल ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं, और सभी लोगों को ये मोस्टली खानी ही पड़ती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की, लो ब्लड प्रेशर, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी चल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा चल रही है। तो 10 रुपये का पत्ता मिल जाएगा ये करीबन 40 mg के हिसाब से, बाकी आप पता करेंगे तो हर जगह कम mg का भी पत्ता मिल जाएगा, लेकिन रेट का अंतर देखिए। आगे लिखा है विटामिन डेफिशिएंसी की भी दे रखी है 145 की 27 में, यानी आप देखते रहिए। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की 105 की 45 में, शुगर की 140 का पत्ता मिलता होगा तो ये 24 रुपये का है। हाई ब्लड प्रेशर 52 रुपये का पत्ता 6 रुपये में, एसिडिटी का 181 का 18 रुपये में, लीवर इन्फेक्शन का अगर कोई दवाई लीवर के लिए लिखते हैं डॉक्टर तो 521 की है, जो कि आपको कितने मिलेगी 120 रुपये में। पेन फीवर पैरासीटामोल जो मिलती है, ये पूरे पत्ते का रेट है 25 रुपये का पत्ता, जो कि आपको 8 रुपये मिल जाएगा, अंतर देखिए। तो अगर आप इस तरह की दवाइयाँ आप ख़रीदते हैं तो आप अपना इलाज भी आराम से करा पाएंगे कम पैसे में, और ये दवाइयाँ असर ज़रूर करती हैं। ये एक भ्रम है जो कहते हैं असर नहीं करती हैं, आप पेटेंट दवाइयाँ ही लीजिए, ब्रांडेड वाली दवाइयाँ लीजिए, तो वो अपनी जगह असर करती है, ये भी अपनी जगह असर करती हैं। सर हो सकता है थोड़ा सा स्लो करें, लेकिन ये है कि करती ज़रूर है सर। अब ऐसे में आप देख सकते हैं किडनी स्टोन के लिए भी दे रखा है इसमें 95 वाली 18 रुपये में, ब्लड शुगर की 90 रुपीज़ वाली 10 रुपये में, एंटीसेप्टिक जो दे रखा है लिक्विड 125 वाला 24 रुपये में। कितना अंतर है देखिए, 100-100 रुपये का अंतर है। पेन रिलीफ के लिए 130 वाली 37 में। मेरा तो ये बस ये तो मकसद था कि आपको बता सकूँ कि जेनरिक औषधि जो होती हैं वो भी असर करती हैं। तो कुछ मैंने ये फ़ोटो पिक ले ली थी, रास्ते में घूमने गया था सुबह सुबह, तो ये मुझे दिखाई दिया, मैंने सोचा एक ब्लॉग बना दूँ। भले ही देखो आजकल ऐसी चीज़ें बहुत कम देखी जाती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा काम था आपको अवेयर करना, मैंने ये कर दिया है। अब आपका काम यह है इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन यह है कि उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो इन
इस टॉपिक के बारे में, इस विषय के बारे में जानते नहीं हैं। उनको यही बता दिया जाता है कि आप ब्रांडेड दवाइयाँ ही खाइए, जेनरिक दवाइयाँ बेकार होती हैं। सो नहीं है, ज़रूर आप लीजिए ने, जब आपकी सुविधा के लिए ही जेनरिक दवाइयाँ, क्योंकि आपको पता होगा कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिन्होंने इसे आने से रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए कि जेनरिक दवाइयाँ अगर यहाँ आ गई तो उनका बिज़नेस का क्या होगा। ऐसी आपको पता है स्टेंट हार्ट में जो स्टेंट पड़ता है उसका भी प्राइस बहुत पहले ज़्यादा था, 1 लाख रुपये था, 1.25 लाख रुपये था, जिसको कीमत 27,000 कर दी गई है। उस पर कैप लगा दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकते। तो भैया यही है कि लूट का बाजार था जिसको कम किया गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर पसंद आई हो तो पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ऐसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। बाकी आपको जैसे जैसे वीडियो देखनी हो मैं बता देना, मैं उस पर बना दूंगा। जो भी मुझे नॉलेज की मिलेगी उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बस ये नहीं सोचूंगा कि ये आप देख के इसे डिलीट कर देंगे या फिर शेयर नहीं करेंगे, मैं तो कहूँगा आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए।